नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। मध्य प्रदेश के रातीबड़ क्षेत्र में 4 एमपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी भोपाल की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी के कैडेट बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वच्छता को लेकर नारे भी लगाए गए, साथ ही आम जनता को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। 4 एमपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी भोपाल में 15 सितंबर से 22 सितंबर तक पटेल कॉलेज रातीबाड़ में कैंप लगा है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स को बंदूक चलाना सीखना, आत्मरक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, देशभक्ति के बारे में बताया जाएगा। इस कैंप का आयोजन और देखरेख कर्नल अमरजीत वसुदेव के मार्गदर्शन में हुआ। साथ ही सूबेदार मेजर एस बी सिंह, सूबेदार विवेक शर्मा, नायब सूबेदार नायब सिंह, लेफ्टिनेंट सरिता कुशवाहा, वीना साहू, रश्मि देसाई सभी ने अपना सहयोग दिया और मार्गदर्शन किया। ग्राम पंचायत रातीबाड़ के सरपंच अजय राजोरिया और उनके साथ रोहित राजोरिया, विकल्प, कुलदीप, संदीप का भी इस दौरान प्रमुख सहयोग रहा। इसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से एवन न्यूज टीवी के ब्यूरो इन चीफ अर्जुन कुमार। मैं आज मौजूद हूँ भोपाल में, रातीबड़ का ये क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ा अच्छा स्वच्छता अभियान पे कार्यक्रम चल रहा है। ये एमपी को जो है इस तरफ से कार्यक्रम चल रहा है, उनकी जो है मैडम जो है सबसे हमें बताएगी कि क्या किस प्रकार का कार्यक्रम है। और ये सारे बच्चे 4 एमपी गर्ल्स बटालियन के हैं जो सीएटीसी 8 कैंप में आए हैं, और ये सारे बच्चे अलग अलग जगह से भोपाल, विदिशा, गुंगा से ये लोग कैंप अटेंड करने आए हैं। और आज इनका फुट मार्च है स्वच्छता अभियान के लिए, जिसके लिए हम लोग 116 कैडेट लेकर आए हैं स्वच्छता अभियान के लिए रातीबड़ गाँव। बच्चे आए हैं भोपाल से भी हैं, अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग स्कूल के, विदिशा के भी हैं, गुंगा के भी हैं। ये सारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से कैंप अटेंड करने के लिए आए हैं, उसी में से ये एक फंक्शन। तो स्वच्छता अभियान में आप ये केवल आपको मास्क निकाला है या घर में भी जाके आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई स्वच्छता जो है किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार क्या इन बच्चों को समझाया गया कि स्वच्छता करनी किस प्रकार से है? हाँ, बच्चों को पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वच्छता को किस तरीके से करना है और उन्हें किस तरीके से बताना है। उसके ऊपर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक भी प्रिपेयर किया है जो उसके थ्रू गाँव वालों को अवेयरनेस देंगे कि कैसे स्वच्छता करें। तो आपका नाम क्या हुआ? वीना साहू। मीना साहू जी हमारे साथ थी, एक ये कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, ये मार्च किया गया है, ग्रामवासी को ओपनिंग मिली। ग्रामवासी हमारे साथ हैं कुछ, आप कौन से ग्राम से हैं? मैं रातीबड़, रातीबड़ ग्राम से हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रोहित राजोरिया नाम। रोहित राजोरिया साथ हमारे साथ है, तो ये भी साथ चल रहे हैं और ग्राम का जो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है कार्यक्रम भी साथ दे रहे हैं, सारे ग्राम के लोग हैं। सरपंच साहब भी हैं, सरपंच साहब हैं। आज पूरे गांव का एनसीसी और बीएसएफ के हमारे सरों के द्वारा पूरे गांव का भ्रमण किया गया, पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए मैसेज दिया गया। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे गांव की सफाई के लिए एक सबको मैसेज भी दिया, पूरी सफाई भी की, जहाँ जहाँ मिट्टी थी पॉलिथीन थी सबको उठाया और पूरे ग्रामीणों को एक संदेश दिया कि हमें स्वच्छ भारत, स्वच्छ गाँव बनाना है जिससे बीमारियाँ दूर होंगी और सब लोग स्वस्थ होंगे। ये हमारी सरकार का भी एक मैसेज है, सभी लोग इसमें भागीदार हैं और ये हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, पूरे बच्चे एनसीसी के लोग गांव वाले लोग सब साथ हैं। तो ये अच्छी बात है कि ग्राम के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीसी के बच्चे भी यहाँ पे अपने दूर दूर के स्कूलों से आए हैं और एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि जो पॉलिथीन जो है इस समय मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह सरकार ने खत्म कर दिया, भोपाल से लगभग खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चे के गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, तो कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि बेटा आप लोग जो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे तो आप यहाँ पे आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है लोगों से? तो ये देखिए इस प्रकार के विचार हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो स्वच्छता के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी मना दिशा देखे कि कितना वो चाहते हैं कि स्वच्छता जो रहनी चाहिए, स्वच्छता जो होती है वो बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से जो ये अभियान पे बच्चे जुटे हुए हैं, लगता है कि कामयाबी जरूर उनको मिलेगी। और जिस प्रकार से लोगों का भी एक ग्रुप चल रहा है, लोग भी पूरा साथ निकल रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए सारे हमारे पास ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सारे वो भी इस प्रकार से आए हैं, पूरा साथ देने के लिए आए हैं।
जन भागीदारी के माध्यम से सारी चीजें होती रहेगी। भारत का ये दल दिखाएंगे ये बटालियन एनसीसी भोपाल की तरफ से कार्यक्रम हुआ है। अनूप कुमार जी भी बटालियन के हमारे साथ में हैं और साथ में ये सब लोग साथ चल रहे हैं पूरा। मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ कितनी लंबी रैली है ये, इस प्रकार से लोग चल रहे हैं साथ में। चलिए बेटा बढ़ते चलो, चलो बढ़ते चलो, ये बच्चे साथ चल रहे हैं। क्या नारा बेटा वो आप लोग बोलो, तो ये थे बच्चे एमपी गर्ल्स बटालियन 4 की तरफ से रातीबड़ भोपाल में यह कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था। कोई 300-400 बच्चों ने इसमें भाग लिया, कितनी अच्छी संख्या में इन बच्चों ने भाग लिया है और लोगों को जागरूक किया है कि पॉलिथिन फ्री वो करें देश को, समाज को और रातीबड़ को, और गीला कचरा सूखा कचरा और सभी अभियानों के बारे में बता के कैसे अलग करना है समझाइश दी है रातीबड़ के गाँव के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को। मैं अर्जुन कुमार रातीबड़ भोपाल से। श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, हम सबका ये नारा है, भारत स्वच्छ बनाना है, हम सबका ये नारा है, भारत स्वच्छ बनाना है, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।